तो 23 का काम लगभग खत्म हुआ। अब बात करते हैं 24 की, क्योंकि सारी पार्टियां भी 24 के एजेंडे पर शिफ्ट हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने एक बड़ी रैली करके ममता बनर्जी पर हमले किए। अमित शाह ने संकेत दिए कि बंगाल में CAA, रोहिंग्याओं की घुसपैठ और तुष्टिकरण अब भी बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, कटमनी, खूनी राजनीतिक हिंसा पर फिर से बात होगी। शाह ने दावा किया कि बीजेपी 24 के चुनाव में TMC को हाफ से कम और 26 के चुनाव में बंगाल से ही साफ कर देगी। रैली का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने भी तैयारी कर रखी थी। ममता और उनकी पार्टी ने अमित शाह के बंगाल दौरे के खिलाफ ब्लैक डे बनाया। ममता बनर्जी ने जरूर काले कपड़े नहीं पहने, लेकिन उनके सारे नेता ब्लैक गेटअप में थे। सबने खूब नारे लगाए, आरोप लगाया कि बीजेपी नेता सांप्रदायिक एजेंडा लेकर बंगाल आते हैं। केंद्र पर भी आरोप लगाया कि वो बंगाल का फंड रोक कर बैठा है। टीएमसी ने कहा कि 2019 और 2021 में बंगाल ने फिर भी तरस खाया, लेकिन 24 और 26 में यहाँ के लोग बीजेपी को साफ कर देंगे, तो बंगाल की लड़ाई पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या बंगाल से ही पूरे देश में 24 के चुनाव मुद्दों का फ्लो चार्ट बनेगा। दीदी, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े, मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी जो 77 सीट भी जीती थी 2021 में, या जो 19 सीट जीती थी 19 में और ये 2021 में, ये दोनों उनको नहीं मिलने वाला। भारत माता की, मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देंगे। कहाँ भेजे हैं पैसा? हम लोग तो यहाँ लड़ रहे हैं। 1,15,000 करोड़ बंगाल को मिलता है, वो अब तक नहीं आए। ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम CAA को लागू कर रहे हैं। आपके में इतनी हिम्मत थी तो इस कानून के तहत जो रूल्स बनते हैं, इसके प्रक्रिया जो तैयार होती है, वो क्यों नहीं बना पाए? ये केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैरेट इन द स्टिक। परिवर्तन हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टिकरण रुका है क्या? भारतीय जनता पार्टी, तो क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में? तुष्टिकरण, घुसपैठ, राजनीतिक हिंसा, इन तमाम सारे आरोपों को अमित शाह जी ने एक बार फिर से दोहराया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, TMC के नेता भी हमारे साथ होंगे, उन्होंने भी ब्लैक डे बनाया है, इसका कारण भी उनसे पूछेंगे। क्योंकि क्या 23 के चुनाव आज जैसे ही समाप्त हुए, 24 के लिए तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं, रिजू दत्ता हैं, स्पोक्स मैन है TMC के, राजकुमार भाटी जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, मुफ्ती नदीमुद्दीन प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, और इनसे मैं CAA पर खास बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर देते हैं। मैं सबको 90-90 सेकंड दूंगा, प्लीज अपने समय का ध्यान रखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आखिरी में अगर आपका सेंटेंस अधूरा है तो प्लीज खत्म कर लीजिएगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मच कीजिएगा, वरना सब कंप्लीट करते हैं। शुरुआत में यहीं से करता हूं। रिजू दत्ता जी, आज आप पर आक्रमण हुआ, अमित शाह जी ने 24 की पहली रैली करी और कहा कि तुष्टिकरण, घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा, इसमें कोई फलक नहीं है, तो अगली बार साफ कर देंगे MTMC को, यह दावा है उनका 24 में भी और 26 में भी। देखिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। गालिब साहब का एक बहुत फेमस शायरी है, और वो कहते थे कि गालिब, तू सारी जिंदगी यही भूल करता गया कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता गया। उन्होंने भ्रष्टाचार पे भी बहुत बातें की, पर जो आज उनके साथ मंच पे खड़े थे, उनका वीडियो खुद बीजेपी ने प्रकाश किया था कि ये चोर है, ये पैसा ले रहा है। शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष बंगाल, हेमंत विश्व शर्मा, हमने चोर कहा था? नहीं, बीजेपी ने कहा था। अजीत पवार, चोर किसने कहा था? हमने कहा था, बीजेपी ने कहा था। तो जितने चोर, गुंडे, भ्रष्टाचारी हैं, तो ये तो बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री, कोई डिप्टी CM, कोई नेता प्रतिपक्ष बना बैठा है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा घुसपैठ। अरे बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? आपके मंत्रालय करता है। आपका स्क्रिप्ट कौन लिखता है सर?
अगर आपके आप गृहमंत्री होते हुए बॉर्डर में घुसपैठ हो रहा है, गाय की तस्करी हो रहा है, ये तो आपका निकम्मापन इससे झलकता है, तो आप खुद को क्यों खराब शब्द कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तीसरी बात, राजनीतिक हिंसा उन्होंने कहा। अरे भैया, राजनीतिक हिंसा की बात अगर आप करते हैं तो आप पहले बंगाल का दर्द के बारे में बात कीजिए। बंगाल के जो गरीब लोग हैं, जिनका काम करने के बाद उनका पैसा आपने रोक रखा है, मनरेगा का पैसा, आवास का पैसा, वो पैसा क्यों नहीं देते? उनके लिए आपका दिल नहीं रोता है? सिर्फ बीजेपी के लिए ही आपका दिल रोता है? आप क्या बीजेपी के गृहमंत्री हैं कि देश के गृहमंत्री हैं? पहले बंगाल का पैसा, हक का पैसा दीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो बंगाल में आपने कहा था 2021 में, अब की बार 200 पार, 100 पार नहीं हुआ। आपने 8 महीने पहले कहा था लोकसभा में 35 सीटें, इस बार आपने आंकड़ा देना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता है 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी, पहले अपने घर को संभालिए, फिर हमारे बारे में बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे अपने घर को तो संभाल ले रहे, घुसपैठ अगर ही हो रही है तो इस पर तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है ना। प्रेम शुक्ला जी, 90 सेकंड। देखिए, सुश्री ममता बनर्जी किस तरह से जो है पलटी मारती हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। भाई, जब संसद में घुसपैठियों के विरुद्ध ममता बनर्जी बोल रही थी, तब घुसपैठ कौन कर रहा था? किसने घुसपैठ कराया था? जिस कांग्रेस पार्टी से सुश्री ममता बनर्जी ने राजनीति प्रारंभ की है, उसके कार्यकाल में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि 2 करोड़ से अधिक घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसे हुए हैं। तो ये घुसपैठ तो ममता बनर्जी जिस सरकार की अंग थी, कांग्रेस ने कराया, उसका विरोध संसद में ममता बनर्जी कर रही थी, और जैसे ही मुख्यमंत्री बनी वैसे पलट गई, क्योंकि घुसपैठिए जो है उनके मतदाता हो गए। तो घुसपैठ पर ममता बनर्जी घुसपैठ पर पूछती है, और जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो है उसका एरिया बढ़ाया जाता है तो चिल्लाने लगती है, जब केंद्रीय आरक्षी बल वहां जाता है तो शोर मचाने लगती हैं और संघीय व्यवस्था को चुनौती देने लगती हैं। अभी ऋजु दत्ता कह रहे थे कि कितने पैसे भेजे, 6.7 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिए। जरा 2004 से 2014 जिस सरकार के आप अंग थे, जिसमें रेल मंत्रालय भी तृणमूल कांग्रेस संभाल रही थी, कितना धन आया जरा उसका हिसाब दे दीजिए, क्यों नहीं आया? अब जो है भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, नोटों का जखीरा किसके यहाँ से मिला, टीएमसी के क्या मवेशियों का स्मगलिंग कौन कर रहा था, टीएमसी के मंत्री कर रहे थे, कोयले में दलाली करते हुए कौन पकड़ा गया, टीएमसी के मंत्री पकड़े गए, तो घोटाले पर तो इनका मुंह भयंकर काला है। ऋजु दत्ता जी, इन्होंने आपकी गलतियां गिनाई, नहीं आपने इनकी गिला दी, अब इन्होंने आपकी वापस गिना दी, क्या कहेंगे ऋजु दत्ता जी इस पर? हम तो इतना कहेंगे कि अमित शाह जी हमारे लिए लक्ष्मी हैं, वो जितना बार बंगाल आते हैं हमारी 5 सीटें बढ़ती हैं। मैं कहता हूं कि वो आए, पर मैं आज आपको एक बहुत गहरा मुद्दा बताना चाहता हूं। आज जब अमित शाह जी का सभा खत्म होने के बाद ममता दीदी जब विधानसभा में धरना कर रही थी अपने सारे विधायकों को लेके 100 दिन का पैसा, हक का पैसा के लिए, तब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कुछ लोग वहां पर स्लोगनिंग कर रहे थे, बीजेपी के विधायक, आपको पता है ये कैमरा में कैद है, जब वहां पर नेशनल एंथम गाया जा रहा था तब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता लेके स्लोगनबाजी और भाषणबाजी कर रहे थे। तो जो लोग देश की राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, उनसे देश के बारे में क्या ज्ञान लेंगे हम लोग? आपने 2014 से अभी तक पूरे देश को बेच दिया है, आपने देश की जनता, आप बाजार में कोई हाथ नहीं लगा सकता, मध्यम वर्ग का कमर तोड़ दिया आपने, जो देश के नौजवान है वो नौकरी मांग रहे हैं उनका हौसला आपने तोड़ दिया है। 2 करोड़ नौकरी, सबको पक्के घर, किसान की आय दुगनी, बुलेट ट्रेन, काला धन वापस, ये हमने नहीं कहा था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, एक वादा पूरा किया। बहुत हुए जुमलाबाजी, बहुत हुए हिंदू मुस्लिम, बहुत हुआ देश के नाम पे गुदगुदी देना। देश की जनता जाग चुकी है, 6 महीने हैं, अगर जितना हो सके अपना भूल सुधार लीजिए, उसके बाद घर पे बैठ के हरिओम करते रहिए, क्योंकि 6 महीने हैं आपके पास। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपका, फिर उसके बाद में सीए के मुद्दे पर आऊंगा, एक एक सवाल उस पर भी होगा। 6.7 लाख करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया। मैंने इनसे पूछा कि जरा आंकड़ा बता दीजिए कि ममता बनर्जी जब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार में शामिल थी तो बंगाल के लिए कितना धन लाया, तो इनके पास कुछ नहीं है। जब मैंने पूछा कि नोटों के बंडल पर कौन मिला, किसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से करोड़ों रुपए की राशि मिली,
शांत हो गए, मवेशियों की स्मगलिंग पर शांत हो गए, कोयले की दलाली पर शांत हो गए, भर्ती में घोटाले पे शांत हो गए, और जो है विजयादशमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने वाले, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, और मुहर्रम के जुलूस के लिए विजयादशमी का जुलूस प्रतिबंधित हो जाए ये बोलेंगे, हनुमान जयंती जो है हाईकोर्ट के आदेश से मनाई जाए ये स्थिति तो हिंदू मुस्लिम पर ये बात करेंगे। और बताइए ना, ममता बनर्जी का स्टैंड क्यों बदल गया? घुसपैठियों के विरोध में बोलने वाली ममता बनर्जी घुसपैठियों में पैठ बनाने के लिए क्यों पलट गई? इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है? और लगातार जो है जय श्री राम का कोई नारा दे दे तो उससे जो है हुज्जत करने के लिए ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं, और अल्लाह अकबर का नारा बड़े शौक से लगाती है वो। क्या मतलब है? जमीयत इस्लामी जैसे संगठन जो आतंकवादियों की वकालत करते हैं उनके मंचों पर जाने वाली ममता बनर्जी जो है उनको जय श्री राम से इतनी पीड़ा क्यों होती है? और भारतीय जनता पार्टी तो 277 सीटों पर पहुंची है, 18 उसके जो है लोकसभा के सदस्य हैं, और ममता बनर्जी के कुशासन को समाप्त करके बंगाल को फिर से रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती बनाए बिना भारतीय जनता पार्टी शांति से नहीं बैठेगी। ठीक है ऋजु दत्ता जी, प्रेम शुक्ला जी, आपके दो दो राउंड हो गए, मुझे आपके बाकी सहयोगियों के पास जाना है, नाराज हो जाते हैं सब। तो एक सवाल मैं यहाँ पर ऋजु दत्ता जी से लूंगा, फिर संगीत रागी जी से, फिर शुरुआत करूंगा मुफ्ती साहब से, और फिर आऊंगा राजकुमार भाटी जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, देखिए अमित शाह जी तो आज चले गए, अभी 24 के लिए आपकी इंडिया की तैयारी शुरू ही नहीं हो पाई ना, आप ज्वाइंट रैली कर पाए, बीच में चिरकुट वाला एपिसोड हुआ, बाकी सब चीजें हुई, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, अब कैसे आप इंडिया के प्रवक्ता कब बनेंगे राजकुमार भाटी जी, बताइए मुझे। दत्ता जी ने मिर्जा गालिब के शेर से शुरुआत की तो मुझे भी, मेरे एक मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनके कुछ शेर याद आ गए, उसी शुरुआत उनसे ही करता हूँ। कोई नहीं, आज मुशायरा भी हो जाए। निगेबा कुछ निजामे गुल सिता, निगेबा कुछ निजामे गुल सिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ सजर कुछ आसियाँ कुछ और कहता है, सभा से ताजगी गुंचों से रौनक गुल से भूगा, अब चमन का हाल कुछ है बागवा कुछ और कहता है, बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानू, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहता है। अब माननीय अमित शाह जी विपक्ष प्रशासित जिस भी प्रदेश में जाएंगे जहाँ विपक्ष की सरकार है उसका हाल सबसे खराब बताएंगे, और जो बीजेपी की सत्ता है जहाँ जहाँ बीजेपी शासित है वहाँ जाके कहेंगे देश में सबसे अच्छा प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ रात को महिलाएं गहनों से लद के रात को 2 बजे सड़कों पर घूम सकती हैं, और दिन दहाड़े महिलाओं के साथ लूट हो रही है, चैन झपटी जा रही है, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, थानों में रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही, कानून व्यवस्था खराब है, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, डेड बॉडी बाइक पे लाद लाद के लोग ले जा रहे हैं, रोजाना ये इस तरह के वीडियो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अखबार रंगे पड़े हैं अपराध की खबरों से। कश्मीर का जिक्र करेंगे तो कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया, कश्मीर में रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, अधिकारी शहीद हो रहे हैं, सेना के अधिकारी, बुरा हाल है। अगर घुसपैठ की बात अमित शाह जी कर रहे हैं तो अमित शाह जी ये भूल जाते हैं कि आपकी सरकार को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना कि राज्य सरकार की। अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए आप गृह मंत्री हैं, आप ये गृह मंत्री की पहली जिम्मेदारी होती है, दूसरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की होती है, आप दोनों जिम्मेदार हैं। अगर सीमाओं से देश के अंदर घुसपैठ हो रही है तो आप अपनी विफलता की कहानी ठीक है, हो गया टाइम भाटी, हो गया टाइम। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी आपसे शुरुआत करता हूँ, CAA कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में वादा किया, मतवा समाज से किया हुआ बड़ा वादा था कि CAA हम लाएंगे, क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? CAA ला रही है अमित शाह जी और केंद्र सरकार। देखिए हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं चेहरा तो हमारा है। मैं कहता हूं कि रोहिंग्या का मुद्दा 10 साल से है इस देश में, कितने श्रीलंका के लोग आकर के हैं शरणार्थी हैं, कितने जो है अफगानिस्तान के लोग हैं, कितने साउथ अफ्रीका के लोग हैं, 25 से 30 मुल्कों के लोग आकर के यहाँ रहते हैं, क्यों इनको कान पकड़ करके बाहर नहीं भेजा जा रहा? और रूपानी जी कहाँ से आए थे, इनके CM थे ना गुजरात के, उनका भी जरा बताइए कि रूपानी जी वो आए थे नहीं आए थे रोहिंग्या से। तो मैं कहता हूं कि देश की बॉर्डर या देश की फौजें हैं अमित शाह के अंडर में है, क्यों लोग आकर के आ रहे हैं? अभी NRC लागू हो चुका है कहां आसाम में, उसके बावजूद आधार कार्ड नहीं बना है। मैं कहता हूं कि अमित शाह जी जहां जा रहे हैं वहां फायदा हो रहा लोगों का, तेलंगाना में आके कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं 10 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी, वहां सूफड़ा निकल रहा है,
तो मैं कहता हूं कि बीजेपी अपोजिशन को साफ करते करते खुद साफ हो रही है। गए कर्नाटक में, अब तेलंगाना में जा रहे हैं, इनको कोई सुनने नहीं आ रहा। तेलंगाना से वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम रेलवे कोच फैक्ट्री बनाएंगे, स्टील फैक्ट्री बनाएंगे, एम्स देंगे, पता नहीं क्या क्या वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये करप्शन की बात करते हैं, रघुनंदन राव इन्हीं के एमएलए बीजेपी के, जो बंडी संजय उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको हटा दिया गया, उन पर करोड़ों रुपए का गबन का इल्जाम लगाते हैं। तो देखिए अमित शाह कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे। तो मैं कहता हूं कि सबको बाहर कर दो, पूरा बाहर करके तो बताओ ना, बताओ कौन कहता हमने कहा है कि रोहिंग्या को मत बाहर करो। ठीक है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब से मैं संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपको यूपी का भी जवाब देना है, लेकिन मैं एक साथ संगीत रागी जी को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लाता हूँ। संगीत रागी जी, हम बंगाल से ये बात कहना, सीएए क्या सोचते हैं और इसके पीछे क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ममता बनर्जी को केंद्र में लाना चाहती है। स्वाभाविक है कि इस जैसे ही ममता बनर्जी केंद्र में आएंगी, विपक्षी गठबंधन के ये जो नीतीश फैक्टर है और जो राहुल गांधी फैक्टर है वो अपने आप में बिखर करके किनारे हो जाएगा। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी का यदि प्रोमिनेंस होता है तो वहाँ से सीपीएम साथ नहीं आएगी, कांग्रेस साथ नहीं होगी। और आपको ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी हैं, वो अखिलेश जी ममता के निकट अपने आप को ज़्यादा महसूस करते हैं बनिस्पत की राहुल गांधी के। तो मुझे लगता है कि एक तो स्ट्रेटजी ये है जो विपक्षी गठबंधन है उसमें एक और फर्दर दरार किया जाए। दूसरी बात, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रमुख है। सीएए का मुद्दा है वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को गैल्वेनाइज किया था, लेकिन शाहीन बाग के बाद वो मामला पटरी से उतर गया था। जैसे ही वो दोबारा पटरी पर आएगी, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में जो 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 एक भाव है कि उन्होंने नहीं किया, वो फिर से एक प्रकार से वो गैल्वेनाइज होगा। जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है वो उससे ये। तीसरी बात यह है कि बंगाल में चुनाव लड़ना वो सिर्फ सीएए जो है वो एक बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव बन करके आएगा और इसके इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इसके जो परिणाम होने वाले हैं वो पूरे देश भर में परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। और इससे निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी जोर से और ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर करें। एक चौथी बात जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी भी पहले विपक्षी पार्टियों में और सत्ता पार्टियों में एक प्रकार का कंसेंसस होता था, हम सत्ता में आएंगे लेकिन हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके भ्रष्टाचार पर काम नहीं खिलाफ नहीं काम करेंगे। ये पहले बहुत होते रहा है देश की राजनीति में। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी हो रहा है, और मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत नज़दीक रहने वाले व्यवसायी उनके घर भी छापे पड़े हैं, मैं यहां पर चैनल पर उनका जिक्र नहीं करना चाहता, इसलिए ये आरोप बिल्कुल अधूरा है और अर्ध सत्य है कि देखिए एक तरफा कार्रवाई होती है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है भाटी जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद मैं वापस ऋषि दत्ता जी और प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊँ। मैं केवल डॉक्टर संगीत रागी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त एजेंडा है, जो अंदरूनी षड्यंत्र है, उसको एक्सपोज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो गठबंधन में दरार डालने का षड्यंत्र कर रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीत रागी जी। मैं जिक्र कर दूं, देखिए मैंने तो एक विश्लेषण किया है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मेरे पास न भारतीय जनता पार्टी का कोई गुप्त एजेंडा है, न ही किसी संगठन का गुप्त एजेंडा है। मैंने तो आपके बारे में विश्लेषण किया, आरएसएस के पास ही होते हैं सारे गुप्त एजेंडा बीजेपी के। सर, या मत कहो, अब आप झूठ बोलने लगे, पास क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, नागपुर से ही आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक अपने आप को मानता है और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, आरएसएस के मेंबर हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज पश्चिम बंगाल से जो आगाज किया है गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 की इलेक्शन कैंपेन का।
इसी पर बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक मेरे साथ हैं, रिजू दत्ता जी स्पोक्स पर्सन टीएमसी के मेरे साथ हैं, राजकुमार भाटी हैं स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। शुरुआत रिजू दत्ता जी मैं आपसे करता हूँ, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, CAA आ गया तब तो आपका मामला जो है गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए बड़ा दांव चल दिया अमित शाह जी ने। देखिए ये सब इलेक्शन की जुमलाबाजी है। मैं एक सीधा सवाल करता हूं, CAA का विरोध पूरे देश में हुआ था, अब CAA को क्योंकि बीजेपी के पास पूरा मेजॉरिटी है संसद में, उन्होंने CAA को कानून बनाया, बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर कानून आपने बनाया और अगर आपको CAA लागू करना है तो 4 साल में आपने रूल क्यों नहीं बनाए, किसने रोका आपको, आपने रूल क्यों नहीं बनाया 4 साल से। जैसे ही इलेक्शन आया, आपको पता है बंगाल में पॉकेट वोट्स हैं, जैसे मथुआ है, जैसे राजवंशी है, तो आप फिर से वही गाजर हिला रहे हैं CAA का। अरे लोग जान चुकी है, लोग आप लोगों का ये जो झूठ बोलने का जो आदत है ये पकड़ लिया है लोगों ने। और मेरे को आप एक चीज बताइए कि असम में आपने NRC किया, एक बूढ़ी औरत, उनका 70-80 साल का उम्र है, वो सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक वो केस लड़के उन्होंने प्रमाण किया कि मेरे पापा जो थे जिनका भी स्वर्गवास हो गया, वो उस देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जान दिया था और मैं इस देश का नागरिक हूं, आपने उन्हें ढकेल दिया था डिटेंशन कैंप में। जो आसाम के डिटेंशन कैंप में 11 लाख हिंदू पड़े हैं, हिंदू लोग हैं जो उस डिटेंशन कैंप में पड़े हैं, तो आप किस CAA की बात करें। एक तो आपने रूल नहीं बनाया, दूसरा आप कुछ काम नहीं करते उसके ऊपर, डिटेंशन कैंप NRC में आप हिंदू लोगों को ही घुसा देते और फिर हिंदू के नाम पे ही आप बोलते कि CAA में सब हिंदू शरणार्थियों को जगा देंगे, तो ये झूठ और नहीं चलेगा। लोगों को पता चल गया है, सबको पता चला है, लोकसभा 6 महीना बाद है, आप CAA का गाजर लेके लोगों के सामने हिला रहे, कोई फायदा नहीं होगा। जितना मर्जी आप आवाज कर ले, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है, आप करें, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ गया, आपका टाइम खत्म हो चुका। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। खाली बर्तन ममता बनर्जी से सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं की आती है, तो आपने मान लिया कि खाली बर्तन आपके पास में है। दूसरी बात, CAA 2019 में कानून बन चुका है, उसके रूल्स फ्रेम होना बाकी है, उसके रूल्स फ्रेम हो जाएंगे, कोरोना काल के कारण उसके रूल्स की फ्रेमिंग में देरी हुई, तो CAA पर अब आप जो है CAA का विरोध करने वाले CAA का समर्थन कर रहे हैं क्या? CAA के समर्थन में अगर TMC आ गई तो उसका स्वागत है। और जहां तक NRC की बात रही, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था NRC, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को उसकी नियुक्ति दी और उसकी मॉनिटरिंग की, तो आप सुप्रीम कोर्ट को दोष देना चाहते हैं भारत के कि सुप्रीम कोर्ट ने NRC को गलत तरीके से लागू किया। और जो कांग्रेस में, जब जिस कांग्रेस में ममता बनर्जी सदस्य हुआ करती थी, उसी कांग्रेस ने असम एकॉर्ड किया था और असम एकॉर्ड के अनुकूल ही कालांतर में जो है वो NRC बना, तो जो राजीव गांधी थे और उनकी जिनको अपनी नेता ममता बनर्जी मानती थी, तो ममता बनर्जी राजीव गांधी को जो है वो हिंदू द्रोही मान रही है, मुस्लिम द्रोही मान रही है, क्या मान रही है भी बता दीजिए स्पष्ट। और राजकुमार भाटी ने जो मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना की, 212 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों हुई है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कितने कार्यकर्ताओं की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, जरा आंकड़ा दे दीजिएगा आज राजकुमार भाटी, यहां वहां दाएं बाएं मत जाइएगा। और आप अखिलेश यादव के कार्यकाल और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की, आप स्वयं दीपक जी इतने पुराने पत्रकार है, निठारी कांड हो गया था बच्चों की नृशंस हत्याएं करने वाले पांडेर के बाद मुलायम सिंह यादव जो बहुत बड़े प्रगतिशील थे, वो नोएडा सिर्फ अंधविश्वास के कारण उस जो है निठारी कांड के घटना स्थल पर गए तक नहीं, तो आप प्रगतिशीलता की दुहाई तो देते हैं लेकिन अंधविश्वास के जो है अंधड़ में फंसे रहते हैं। ठीक है, ऋजू दत्ता जी आपका जवाब। कई आरोप उन्होंने आप पर लगाए कि असम एकॉर्ड के कारण हुआ जो कुछ हुआ, फैक्चुअली तो उनकी बात सही है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या आप कह रहे हैं CAA के नियम नहीं बन पाए, तो क्या अब TMC CAA का समर्थन करती है?
देखिए, पहला तो हम मानते ही नहीं है कि सीए और एनआरसी का जरूरत है देश में, तो हम तो समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी चीज, ये ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत बार नाम ले रहे, ये क्यों भूल जाते हैं कि जब देश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता, मैं मानता हूं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वहां पर ममता जी मंत्री थे, ये क्यों भूल जाते हैं कि वाजपेयी जी कहते थे कि अग्निकन्या है ममता बनर्जी। और असल में बात यह है ना कि अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा जनता से तो उनके प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगे। कभी इनके कोई प्रवक्ता आके बोलता है 10,000 कर्मियों को मार दिया, दूसरा एक प्रवक्ता दूसरे चैनल पर बोलता है 8,000 कर्मी को मार दिया, इन्होंने कहा 201 कर्मी को मार दिया। अरे कम से कम जनाब जाके आंकड़ा तो ठीक बता दिए कि कम से कम झूठ तो कम से कम सही लगे कि इतने लोगों का हत्या हुआ है। झूठ पे भी आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है किसी भी चैनल पे। असल बात यह है कि बंगाल में तीन बार, हम एक क्षेत्रीय दल है, उस तीन बार 2021 में सबसे ज्यादा डेली पैसेंजरी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और आपके सारे संसद और कुछ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री भी। आंकड़ा क्या हुआ 294 में 213 तृणमूल कांग्रेस, 100 का आंकड़ा भी आपका पार नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, बंगाल ऐसी जगह है जहां पर पहले स्थान में कोई वैकेंसी नहीं है, ममता बनर्जी थी, है और वही रहेंगी। आपको आना है पॉलिटिकल टूरिज्म में, आप आइए, बंगाल में आपका हार्दिक स्वागत है, आप आइए घूमिए हिंदू मुस्लिम करके चले जाइए, और जितनी बार आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे हमारी 5 सीटें बढ़ेंगी। फिर से मैं यही बात दोहराता हूँ। ठीक है संगीत रागी जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, अपने समय का ध्यान दीजिएगा, मुझे उसका उत्तर देने का अवसर देना चाहिए दीपक जी, न्याय यही है। प्रेम शुक्ला जी, आप दीपक जी, न्याय है कि मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए श्रीमान रिजु दत्ता कह रहे हैं कि अग्निकन्या वाजपेयी जी के तहत, कब कहते थे अग्निकन्या? जब सुश्री ममता बनर्जी घुसपैठियों के विरोध में थी, घुसपैठियों के समर्थन में नहीं खड़ी हुई थी, जब ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट जो है प्राण घातक हमले करते थे और कांग्रेस भाग खड़ी होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के समर्थन में जाकर खड़े होते थे और ममता बनर्जी के प्राणों को बारंबार बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। और 1998 में जब से आपने स्थापना की उसके बाद कितने चुनाव आप हारे, आप लगातार चुनाव 2011 के पहले हार रहे थे ना, और आपकी दशा यह थी कि दहाई में भी आपकी सीटों की संख्या नहीं पहुंचती थी। भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटें 2018 में हमारी थी, 2016 में हमारी थी, और 2021 में हम 77 सीटों पर पहुंचे, 2 से लोकसभा में 18 सीटों पर हम पहुंचे। तो इतना तेजी से ग्राफ, तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास को ठीक से पढ़ ले, कभी तृणमूल कांग्रेस का नहीं बढ़ा। और आप कृपा करके मुझे बताइए, 212 का आंकड़ा केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है, वेरीफाइड आंकड़ा है, और हमारे यहाँ तो बाकायदा जिन हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के आतंकियों ने, गुंडों ने की, उन आतंकी गुंडों के जो से जो हमारे पीड़ित थे, उन पीड़ितों के श्राद्ध का कर्म करके उनके परिजनों को साथ लेकर हमने बारंबार इसकी पुष्टि की है कि किस तरह से निर्ममता से ममता की जो पूरी ममता है वो आतंकवादी और जिहादियों के साथ है, और जो है जो निर्दोष नागरिक है उनके प्रति उनकी निर्ममता इस बात को सिद्ध करती है कि ममता मोमता बानो बन गई है, ममता बनर्जी नहीं रह गई। ठीक है, टाइम ओवर, मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से भाटी जी के पास। संगीत रागी जी, मैं आ रहा हूँ भाटी जी से, एक सवाल ले लूँ। प्रेम शुक्ला जी ने पूछा है कहाँ पे हुआ, जो भाटी जी आप बता रहे थे, वैसे नोएडा में मैं भी बैठा हूँ, नोएडा रोज आता जाता हूँ, ऐसा कोई वायरल वीडियो मेरे पास तो नहीं आया कि मोटरसाइकिल में लाशें जा रही है, एक आध कोई हुआ होगा आप भेज देना मुझे। दूसरा, वो जो लुटने और छीनने की घटनाएं है वो भी मुझे भेज दीजिए, कहीं ज्यादा हो रही है तो बताइए ना, हम भी जाएंगे, गेस्टिंग ऑपरेशन का कैमरा लगाएंगे। आपको भेजूंगा मैं 10 वीडियो आपको भेजूंगा, बाइक पे डेड बॉडी ले जा रहे हैं, ठेली पे रख के ले जा रहे हैं, रिक्शे में ले जा रहे हैं, कंधे पे रख के ले जा रहे हैं, और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप उसे चैनल पर दिखाएंगे। दूसरे, अभी आपने कहा कि नोएडा में बैठे हैं, तो आप ही कंफर्म कर दें प्रेम शुक्ला जी ने निठारी कांड उठाया। प्रेम शुक्ला जी को जानकारी पूरी करके बोलना चाहिए किसी विषय में बोल रहे हैं। निठारी कांड समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ नहीं था, खुला था, अपराधी पकड़े गए थे। ये कांड 2000 से चल रहा था, सन 2000 से, और 2006 में ये 2006 से बच्चे गायब, दो सन 2000 से गायब हो रहे थे। उस बीच में बीजेपी की भी सरकार रही, बहन जी की भी सरकार बीजेपी के सहयोग से रही, मिलीजुली सरकार रही, अलग भी रही। निठारी कांड 2006 में खुला था, पंधेर और कोहली गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, कंकाल बरामद हुए थे उनसे, नालियों से
जब वो FIR लिख रहे थे उस समय बच्चे लिखवा रहे थे जिनके बच्चे गायब हो रहे थे, हमने प्रदर्शन किया था थाने पे। एक CEO का बेटा का अपहरण हुआ था, बड़ी कंपनी के CEO थे, उसे पुलिस ने बरामद किया था, उसकी तो सिरे ले रहे थे अधिकारी IPS प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हम वहाँ काले झंडे दिखा रहे थे कि गरीब निठारी के बच्चों को कौन बरामद करेगा जो गायब हो रहे हैं। तो कृपया ये आरोप न लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था, समाजवादी पार्टी के शासन में खुला था, अपराधी पकड़े गए थे। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, फिर मैं संगीत रागी जी के पास जाऊँ। देखिए 2006 में जो है निठारी कांड पकड़ा गया, लेकिन 2003 से 6 तक आपकी सरकार थी, तो 2003 से 6 तक क्या श्रीमान मुलायम सिंह यादव 2000 से बच्चे गायब हो रहे थे, सन 2000 से कांड की इतनी नृशंस घटना होने के बाद, नृशंस घटना होने के बाद मुलायम सिंह यादव नोएडा में क्यों नहीं गए? मैंने मेरे ये आरोप लगाया कि वो प्रगतिशील स्वयं को कहना, जैसा कि मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री अंदर में, जैसा कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, बताइए ना क्यों नहीं गए, मुझे बताइए अभी। हाँ वहां जैसे कि मणिपुर नहीं गए मोदी जी, निठारी में क्यों नहीं गए मेरा प्रश्न है ना। और अंधविश्वास देखिए, अब आप राजकुमार भाटी जी कुतर, हमारा प्रश्न है कि मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी, अंधविश्वासी, हमारा प्रश्न है मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी। महाराज ये भाटी जी अब घटिया हरकत नहीं, मणिपुर में ज्यादा जगन कांड हुआ या निठारी में हुआ? आपके पास उत्तर नहीं है तो आपका आक्रोश बढ़ रहा है। ये आपने स्वीकार लिया कि मुलायम सिंह यादव उखड़ गए थे, मुलायम सिंह यादव का आप परिवार तो शुक्ला जी उखड़ गए जब आपके पास कुछ तर्क नहीं है, में नोएडा नहीं गए, पटरी से उतर गए, सत्य है। अरे मोदी जी ने तो पूरा मंत्रिमंडल भेज दिया था भाई वहां, गृह मंत्री सत्य नहीं है क्या? मोदी जी मणिपुर नहीं गए क्या? ये सत्य नहीं है? समाजवादी पार्टी का एक मंत्री बताइए ना, क्या ये सत्य नहीं है कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए? मैं इनकी तरह बदतमीजी नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी को नंगा करके घुमाया गया। मैं अब बदतमीजी की संस्कृति से मैं नहीं आता हूँ, मैं इनको सुन रहा था ना, इनका आक्रोश और अगर जवाब देना बदतमीजी है, मुलायम सिंह यादव जी अगर जवाब देना बदतमीजी है, असहमत है। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने जवाब दिया, मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी, मणिपुर क्यों नहीं गए? अरे सुनिए मणिपुर क्यों नहीं गए, आपको एक ही सवाल आता है, आप दीपक जवाब दो ना, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए कि आप इस तरह से इनसे घटियापना कराएंगे? क्यों नहीं गए एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, नोएडा क्यों नहीं गए, नोएडा क्यों नहीं गए? अरे सर ऐसा मत बोलिए सर, मुझे सबका सम्मान करना पड़ता है, बौखला जाओ, नहीं कौन सी लिस्ट निकल जाए बौखला, लेकिन मैं घटियापना पे आमादा है ये करूंगा, मैं नहीं बौखला हूंगा, मैं सब नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, चलो क्या बाटी की बाटी गाली देने के बजाय जवाब दे, समाजवादी पार्टी की गाली देना कोई योग्यता नहीं है, जवाब देना योग्यता, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, गाली देके आप अपनी अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं, झगड़ा ये कर रहे हैं। मैं इनके बीच बोला था, मैं इनके बीच में एक भी शब्द बोला क्या? हो गया, मैं संगीत रागी जी के बीच में जवाब दे दूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, आज की अमित शाह की रैली का एक लार्जर का जवाब दे दूंगा, मैं चुप बैठ जाऊंगा, दे रहे थे पार्टी को जवाब ही दे रहे, आप चुप बैठोगे तो मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? ठीक है, अब संगीत रागी जी अंत में चाहूंगा आपको बताएं कि आज की अमित शाह जी की रैली का क्या नया पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है 2024 के हिसाब से? देखिए दीपक जी, 2024 के लिए जो CAA का जो मुद्दा उठाया है उन्होंने, अमित शाह जी ने, मुझे लगता है ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा, बहुत बड़ा, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के निकल सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। हमने देखा है जैसे ही ये मुद्दा बनेगा शाहीन बाग फिर उभर करके आएगा, शाहीन बाग के समय जो है वो क्या क्या किया गया वो सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 का मुद्दा मैं मान करके चलता हूँ ये नरेंद्र मोदी और अन्य विपक्षी पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है, 2024 भारत का भविष्य तय करेगा। जिस प्रकार से 2014 से भारत की सांस्कृतिक यात्रा हुई है, जो राजनीतिक यात्रा और बौद्धिक यात्रा की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया है, ये देखना है आज के दिन में पाकिस्तान चीन से लेकर के जितनी भी बड़ी ताकतें हैं जो भारत के सांस्कृतिक वैभव उनसे उनको और उस राष्ट्र के जो स्वत्व है स्वाभिमान है उसके सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को आगे खड़े दो नहीं देखना चाहती हैं, वो एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई ताकत के रूप में नहीं देखना चाहती हैं, वे सारे चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार जाएं। लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ, इसीलिए 2024 का चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव
और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं देखता, ये तय करेगा भारत का भविष्य किनके हाथों में जाएगा। क्या भारत का भविष्य ऐसे नेताओं के हाथों में जाएगा जो अपने परिवार तक सीमित रहे, जिनकी सारी बौद्धिकता, जिनकी सारी सोच ममता बनर्जी की। आप देखिए, बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे सत्ता में वहाँ पर हैं, इसे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करने की बात सिर्फ सुश्री ममता बनर्जी जी करती थी, लेकिन दुर्भाग्य है उन्होंने उसी राजनीतिक संस्कृति को खड़ा किया जो सीपीएम को मारने की और हत्या करने की। सेन ब्रदर्स के बारे में हम जानते हैं कि कैसे सीपीएम के लोगों ने अब उसके दोनों बेटों को मार दिया था और उसी में चावल पका के माँ को, जिंदा माँ को खिलाया था। वही लटकाने और मारने की, हत्या की वैसी ही नृशंस संस्कृति जो तालिबानी संस्कृति है, दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने उसको संरक्षण दिया है। और दूसरी बात, बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को और रोहिंग्या को के पक्ष में आप जैसे ही बात करते हैं आप भारत के साथ विश्वासघात करते हैं। रिजु दत्ता जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास 30 सेकंड है सिर्फ। मुझे क्लोजिंग दीजिए, एक मिनट। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आरएसएस करने वाला कोई व्यक्ति ममता बनर्जी पर टिप्पणी करता है, जबकि आरएसएस ममता बनर्जी को दुर्गा कहती है अपने पत्रिका में, देख लीजिएगा। और मोहन भागवत जी कितना सम्मान करती है ममता बनर्जी, शायद अगर इनका ये बयान अगर उन तक पहुंचे शायद ये आरएसएस में ना रहे। छोड़ दीजिए उस बात को। जो लोग ममता बनर्जी को मुसलमान तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं, याद रखिएगा मुसलमान का उतना ही हक है इस देश में जितना एक हिंदू का है, ये देश का संविधान कहता है। और क्या इसीलिए योगी बाबा बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश पे उतना अधिकार नहीं है? मोदी भी गए थे, बांग्लादेशी मुसलमानों को अधिकार नहीं है? बात करने खत्म कर दीजिए, बदतमीजी ना करें। मुफ्ती साहब और संगीत रागी जी, राजकुमार भाटी जी, मेरे पास इतना ही वक्त है। Z News।